वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैटिनेशन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं, तीन लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया है। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम पेट्रोलियम को रिफाइन कर सकते हैं कौन से प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो होता है वो हीट करते हैं और वो क्या करता है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, अब इन दिस प्रोसेस पेट्रोलियम इज हीटेड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर क्या करते हैं, अब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोलियम को हीट करते हैं, वो क्या देता है, 500 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है या फ्रैक्शंस देता है। ठीक है, या प्रोडक्ट्स देता है या फ्रैक्शंस देता है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। अब नोट करके एक बात लिखी है कि गैसोलीन या पेट्रोलियम, क्योंकि हम पाकिस्तान में पेट्रोलियम कहा जाता है, पेट्रोल पेट्रोल कहा जाता है, लेकिन जो अमेरिका वगैरह में जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग होते हैं, फॉरेन लोग, वो लोग गैसोलीन का वर्ड यूज़ करते हैं पेट्रोलियम के लिए। तो ये क्या है, मिक्सचर है हेक्सेन और हेप्टेन का। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग रिवाइज करके, ये नाम मैंने आपको कुछ लिखवाए थे जिसमें मीथा, ईथा, ब्यूटा, ये इस तरह के हमारे पास कुछ नेम्स थे। मैंने 10th तक आपको जो थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो काउंटिंग थी वो मैंने आपसे कहा था कि याद कीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि हेक्सा जो था वो हम 7 को हेक्सा जो था वो हम 6 को कह रहे थे और हेप्टा जो था वो हम 7 को कह रहे थे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर यही लिखा है कि हेक्सा मतलब जो है हेक्सेन और हेप्टेन, मीन्स ए एन ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्केन को शो कर रहा है, दोनों अल्केन्स हैं। अगर ई होता दोनों में ये अल्कीन को शो करते, वाई होता तो ये अल्काइन को शो करते। ये पूरा डिफरेंस क्या है इन सब का, ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे, नॉमिनिक लेक्चर को हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा कि इतनी ईजी हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने अच्छे से पढ़ने लगे हम। ठीक है, तो गैसोलीन क्या है, मिक्सचर है हेक्सेन, मीन्स जब 6 कार्बन मिले या 7 कार्बन मिले। ठीक है, उसके बाद किस तरह से मिलेंगे वो हम डिटेल में नॉमिनिक नेचर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब थोड़ा समराइज़ करते हैं कि हमारे पास जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है वो हम कैसे करवाते हैं। जब हम पेट्रोलियम को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करते हैं तो वो मोर देन 500 जो होता है वो हमें प्रोडक्ट्स देता है या फ्रैक्शन देता है, और जो गैसोलीन या पेट्रोलियम होती है वो मिक्सचर होती है हमारे पास हेक्सेन या हेप्टेन का। अब हमारे पास है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास सच प्रोसेस इन विच स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, मींस वो प्रोसेस जिसमें जो स्ट्रेट हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, मींस जिसमें कार्बन हो उसकी वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हों, वो स्ट्रेट चेन में हो, ठीक है, और उनको हम कन्वर्ट कर दें ब्रांच चेन के अंदर, किसमें होंगे, वो होंगे किसमें, स्ट्रेट चेन में, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर देंगे ब्रांच चेन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी ना किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब बात ये आती है कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, और रिएक्शन को वो स्पीड अप करता है लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, वो विदाउट बीइंग खुद मतलब विदाउट बीइंग कंज्यूम वो क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बग़ैर खुद के कंज्यूम हुए वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट कर देंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हम क्या कहेंगे कि हम क्या करवा रहे हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये प्रोसेस इसलिए करवाया जाता है ताकि हम पेट्रोल की जो हमारे पास जो क्वालिटी है ना वो हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर हमें पेट्रोल की जो होती है क्वालिटी इम्प्रूव करनी हो तो हम ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नॉकिंग। नॉकिंग क्या है हमारे पास, कि द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरनल कम्बस्शन ऑफ इंजन और लो क्वालिटी फ्यूल इज नॉन एज नॉकिंग। एक पतली सी मेटालिक सी मतलब जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है इंजन में से, इंटरनल कम्बस्शन ऑफ इंजन में से, किसकी वजह से, जब हम लो क्वालिटी का क्या होता है फ्यूल यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है नॉकिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पढ़ना है हमें क्रैकिंग और पायरोलाइसिस, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक चैनल, मेरा जो है वो एक फेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। उसे प्लीज़ 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 अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसमें आपको हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको MCQs डिस्कशन करने हो तो आपको उसके लिहाज से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।